प्रदेश सरकार की नौकरियों के लिए रोस्टर लागू न किए जाने और एसएमसी भर्ती के खिलाफ हिमाचल प्रदेश एससी एसटी बेरोजगार संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संघ के प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने हमीरपुर में सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा को ज्ञापन सौंपकर विधानसभा में मुद्दा उठाने की मांग की है। संघ के प्रतिनिधियों का आरोप है कि सीएम से लेकर शिक्षा मंत्री से भी नौकरी प्रदान करने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस पर अब बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों ने आगामी दिनों में शिमला में क्रमिक हड़ताल करने के साथ साथ अपनी डिग्रियां भी सरकार को सौंपेंगे। हिमाचल प्रदेश एससी एसटी बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्यार चंद ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से भी मिलकर रोजगार के लिए गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश 10,000 एससी एसटी रोस्टर लागू करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब एसएमसी से अध्यापकों की नियुक्तियां होंगी जो कि न्याय संगत नहीं है। अगर सरकार नहीं मानी तो पहले अनशन होगा और उसके बाद डिग्रियां लौटाई जाएंगी। हमने कई बार मुख्यमंत्री से भी मांग की कि ये जो तरीका है ये गैर संवैधानिक है, उसमें हमें किसी तरीके का कोई भी रोस्टर लागू नहीं किया गया। प्लस अभी सरकार के हाल ही के फैसले में हमें बहुत निराशा हुई, जिसमें सरकार ने ये कहा कि अब हम फिर से दोबारा से एसएमसी भर्तियां शुरू करने जा रहे हैं। एसएमसी भर्तियां शुरू होते ही हमारे कई बेरोजगार साथी जो अपनी सीमा पार करने वाले हैं, हमें सरकार से ये उम्मीद थी कि अभी जो भी भर्तियां होंगी वो बैच वाइज या कमीशन से भरी जाएंगी, लेकिन सरकार के इस फैसले से हमारा बेरोजगार संघ बहुत निराश हुआ है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आगामी समय में जो भी भर्तियां की जाएं, या तो बैच वाइज की जाए या कमीशन से भरी जाए। हमारी जो बेरोजगार संघ की रणनीति है, शांतिपूर्वक तरीके से हम आज तक डिमांड करते आए हैं, लेकिन हमें कोई भी डिमांड हमारी पूरी नहीं हुई है। आगामी हमारी जो रणनीति है वो पूरा बेरोजगार संघ शिमला बहुत ही जल्द जाने वाला है और वहाँ पर हम एक पूरा संगठन एक साथ होकर शांतिपूर्वक तरीके से अनशन पर बैठेंगे। और फिर भी अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो सारे जो बेरोजगार साथी हैं उन्होंने ये कसम खाई है कि हम अपनी डिग्रियां सरकार को सौंप देंगे। वहीं सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने प्रतिनिधि मंडल की समस्याओं को विधानसभा में उठाने की बात कही और कहा कि सरकार को बेरोजगारों के जल्द रोस्टर बनाकर नियुक्तियां की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैच वाइज नियुक्तियां की जानी चाहिए। भी जाके वहां हुआ करती थी जम्मू कश्मीर तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं उन लोगों के साथ न्याय हो, मुझे लगता है कि तर्क संगत नहीं है। अगर पिछली सरकार वीरभद्र सरकार 50% को जो है उसमें से कमीशन के थ्रू आ रहे थे तो मुझे लगता है इससे छेड़खानी करना कहीं जायज है बात। ये बहुत बढ़िया है जो बीएड करके बैच वाइज सिस्टम की रिक्रूटमेंट हो रही है, ये हजारों लोग हैं और अगर सरकार इनके साथ गिरफ्तारी करती है हम इन लोगों के साथ हैं, विधानसभा में इस मामले को उठाएंगे।